गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टीएमबी वायरस। तो देखिए, आगे की वीडियो में वायरस के प्रकार के बारे में बताया था। तो देखिए, उसके तीन टाइप्स थे। एक तो था प्लांट वायरस, दूसरा था एनिमल वायरस, तीसरा था बैक्टीरियोफेज वायरस। तो देखिए, उसमें से हमारा पहला टॉपिक है टीएमबी वायरस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। टीएमबी की फुल फॉर्म बताते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? टोबैको मोजैक वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए, आइवान और बस्की नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1893 में खोज की थी तंबाकू मोजैक वायरस की। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, 1935 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे स्टैनले, उन्होंने इसके सुई के समान क्रिस्टल प्राप्त किए थे। कौन से साइंटिस्ट थे? स्टैनले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टीएमबी वायरस के सुई के समान क्रिस्टल प्राप्त किए थे। इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो देखिए, वायरस आप लोगों को बता चुके हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। इन्हें आप लोग नेक्ट आई के थ्रू नहीं देख सकते हो, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही देखा जा सकता है। और ये किसके मिलकर बने हुए होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलकर बने हुए होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन में डीएनए और आरएनए होता है, इसमें से केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछते हैं। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं। तो देखिए, अभी आप लोगों को चित्र के माध्यम से ये बताएंगे। तो देखिए, इसके कुछ पॉइंट है। इट इज़ सिलेंड्रिकल। तो देखिए, जो टीएमबी वायरस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, एक प्रकार से कहा जाए बेलनाकार होता है इस तरीके से। तो देखिए, और इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ये पूछ देते हैं कि टीएमबी वायरस में जो आरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है या नहीं, या कह देंगे डीएनए प्रेजेंट होता है कि आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए किस फॉर्म में होता है? हमेशा सिंगल हेलिक्स फॉर्म में होता है, एकल सूत्रीय होता है। और जो मतलब डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। तो देखिए, बात करते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड पूछ देते हैं। आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही बताए हैं पॉइंट। तो देखिए, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 6500 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था कि टीएमबी वायरस में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? 6500 होती है। और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 18000 डाल्टन होता है, ये भी पूछा गया था। तो देखिए, अब बात करते हैं। तो देखिए, जो टीएमबी वायरस क्या करता है, ये वायरस का कार्य क्या होता है? ये जो मतलब तंबाकू की लीव होती है उनको ये इन्फेक्टेड कर देता है। क्या कर देता है? ये इन्फेक्टेड कर देता है। जब ये इन्फेक्टेड करता है तो प्लांट में क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, जो प्लांट की लीव होती है इस तरीके से, देखिए जो लीव है इसमें क्लोरोसिस क्या होता है, इस तरीके से हो जाती हैं। लीव में एक प्रकार से कहा जाए चकत्ते से पड़ जाती हैं। और जो लीव होती है वो कैसी हो जाती है? येल्लो कलर की हो जाती है। और एक प्रकार से कहा जाए उसमें जीड़ता उत्पन्न हो जाती है। जब कोई लीव में जीड़ता उत्पन्न हो जाएगी तो वो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। और फोटोसिंथेसिस की जब वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो अपना फूड भी नहीं बनाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? 6CO2+12H2O बराबर फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तभी तो बनाते हैं प्लांट अपना भोजन, यानी उन्हें एटमॉस्फियर से मिलती है CO2, और वो रूट के थ्रू कर लेते हैं H2O को एब्जॉर्ब और बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जब मतलब लीव में जीड़ता उत्पन्न हो जाएगी तो इस डिसीज को कहते हैं क्लोरोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देते हैं कि प्लांट में क्लोरोसिस उत्पन्न कौन सा वायरस करता है? तो टीएमबी वायरस करता है। ये जो मतलब टमाकू की लीव होता है उनको ही इन्फेक्टेड कर देता है या काया डैमेज कर देता है। अब देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा इसका फिगर बता देते हैं। इस तरीके से देखो होता है फिगर। तो देखिए, इस तरीके से इसका फिगर होता है। तो देखिए, ये देखिए आप लोगों को बताया था, इसमें जो ऊपर ये देखिए प्रेजेंट है आरएनए है, एक प्रकार से कुंडलित होता है। किस फॉर्म में होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ये हमेशा सिंगल हेलिक्स होता है। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसके चारों ओर ये देखिए कैप्सिड की प्रोटीन की लेयर भी पाई जाती है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो आप लोगों को बता चुके हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए, इसकी ये जो कैप्सिड है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये एक मतलब जो इसकी एक लेयर है वो कहलाती है क्या? कैप्सिड। और जब ये कैप्सिड आपस में मिलकर इकाइयाँ बना लेते हैं, जब इन मतलब इनने देखिए इकाइयाँ बना ली, जब इसने इकाई बना ली है तो इसके पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? इसके पूरे ग्रुप को कहेंगे कैप्सोमियर, ये कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देते हैं कि जो मतलब प्रोटीन जो वायरस होते हैं उनके चारों ओर कौन सा आवरण प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है कैप्सिड। और जो कैप्सिड इकाइयां होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? कैप्सोमियर बना लेती हैं। इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों को बताते हैं इसका इन्फेक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिए, किस तरीके से ये इन्फेक्टेड कर देती हैं? तो देखिए, जैसे कोई इन्फेक्टेड लीव है, जैसे हमने कोई ये इन्फेक्टेड लीव ले ली,
इन्फेक्टेड लीव है और ये वाली है स्वस्थ लीव का या कहा जाए हेल्दी लीव है। तो यदि आप लोग इन्फेक्टेड लीव को इसमें रगड़ोगे मतलब हेल्दी लीव में मतलब रगड़ोगे तो क्या होगा, जो टीएमबी वायरस जैसे मतलब एक प्रकार से इन्फेक्टेड है तो जब इसमें मतलब आप रगड़ोगे तो ये भी पत्ती कैसी हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी या काजा संक्रमित हो जाएगी। तो देखिए इसका इन्फेक्शन इस तरीके से होता है और देखिए ग्रासोपर से भी होता है, ग्रासोपर को हिंदी में कहते हैं टिड्डा। तो देखिए जैसे कोई इन्फेक्टेड लीव है उस पर बैठा हुआ है टिड्डा और कोई हेल्दी लीव है उस पर ये एक प्रकार से कहा जाए ये इन्फेक्टेड लीव पर बैठा हुआ है टिड्डा सपोज डेट, तो वो क्या हुआ टिड्डा उड़कर इस लीव पर आ गया तो वो इसको भी इन्फेक्टेड कर देगा क्योंकि जो वायरस है वो किस में चले जाएंगे, टिड्डे में चले जाएंगे। तो वही टिड्डा जब इस हेल्दी लीव में बैठेगा तो उसको भी ये डिसीज उत्पन्न हो जाएगी, किसको हो जाएगी, ये लीव भी कैसी हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है इसका इन्फेक्शन, तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, कल आप लोगों को बताएंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। Thank you.